बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है अल्लाह के फजल और करम के साथ आप लोग सब खैर और आफ़ियत के साथ होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियां करे। तो आज हमारे किचन में बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म का बन रहा है चिकन पुलाव। तो आप लोगों को उम्मीद है मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बिल्कुल न्यू स्टाइल का है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी ये वाली चिकन पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 kg यहाँ लिया है चिकन और उसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, जितना हमें रिक्वायर्ड है इतना पानी होना चाहिए कि हमारे उसमें यखनी भी रेडी हो जाए। और यहाँ पे मैंने फिर ले लिया है 1 tablespoon मैंने सौंफ ली है, 1.5 tablespoon साबुत धनिया, 5-6 जो है मैंने लौंग ले ली है, 1 tablespoon ज़ीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 4-5 छोटियाँ इलायची ली हैं, और 6 से 10 अदद मैंने लिए काली मिर्चें, 2 अदद तेज़ पत्ते लिए हैं, और 2 स्टिक जो है मैंने ली थी दालचीनी की। और ये तमाम जो है साबुत गरम मसाला वो हमने ऐड कर दिया है चिकन में। 1/2 टेबल स्पून यहाँ मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद गरम मसाला मैंने पाउडर जो है वो 1/2 टेबल स्पून वो ऐड कर दिया है। इन सबको हमने करना है अच्छे से मिक्स। अब जी इसको मिक्स करने के बाद हम यहाँ इसको करेंगे कवर, और 15 मिनट के लिए हमने इसको करना है कुक। यहाँ ले लिया मैंने योगर्ट, 1.5 cup के करीब योगर्ट लिया है मैंने। अब इसमें हम 1/2 teaspoon सॉल्ट ऐड करेंगे, और ये रेड चिली पाउडर हमने 1 teaspoon ऐड की, 1/2 teaspoon हमने हल्दी ऐड की है, ज़ीरा पाउडर हम ऐड करेंगे 1 teaspoon, गरम मसाला जो है 1 teaspoon, धनिया क्रश्ड 1 tablespoon, ब्लैक पेपर या मैंने 1/2 teaspoon ऐड कर दिए हैं, चाट मसाला 1 teaspoon ऐड करेंगे, और लेमन जूस मैंने 3 tablespoon यहाँ ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने बहुत अच्छे से इन्हें कर लेना है मिक्स, और ध्यान दिए अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है, ये हमारा अच्छे से एक बैटर रेडी हो जाएगा। इसके बाद ये चिकन जो था वो हमने देखा जी, हमारा चिकन स्टोव रेडी हो गया है, चिकन भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। फ्लेम को हम यहाँ कर देंगे ऑफ, और चिकन हम इसमें से निकाल लेंगे। बहुत अच्छे से खुशबू आ रही थी यहाँ पर। यहाँ मैंने ले लिया है फिर एक पैन, 1/4 cup मैं यहाँ ऑयल ऐड कर रही हूँ, ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। यहाँ जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने लिया है 2 tablespoon, इसको हमें थोड़ा सा करना है फ्राई, 2 मिनट्स के लिए बस हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिए ग्रीन चिलीज 3 से 4 अदद, वो ऐड कर दिए। इसके बाद मैंने जो चिकन हमने किया था बॉयल वो यहाँ ऐड करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी यहाँ पे ग्रीन चिलीज़ की, यहाँ मैंने चिकन ऐड कर दिया है। 2 मिनट के लिए हमने करना है चिकन को भी फ्राई, और उसके बाद ये जो मैंने योगर्ट वाला मिक्सचर हमने रेडी किया था वो यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी सी ये जो हमारा पुलाव रेडी हुआ था, बिल्कुल यूनिक सी एक आपको अच्छी सी रेसिपी दे रही हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पे हमने इसे बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ मैंने हरा धनिया डाल दिया इस पर। चिकन हमारा बहुत अच्छे से टेंडर हुआ हुआ है, बस हमें यहाँ फ्राई ही करना है इसको कि अच्छे से तमाम स्पाइसेस इसमें मिक्स हो जाए। चिकन जो है वो रेडी हो गया है, ये देखें जी कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको दूंगी, इसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए स्मोकी सा, तो उसके लिए मैंने कोयला गर्म करके रखा था, और बस इसको हम इस तरह थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए स्मोक दे देंगे। यहाँ पर मैंने फिर ले लिया था एक पैन, यहाँ पर 1/4 cup हम ऐड करेंगे ऑयल, और 2 अदद मैंने लिए तेज़ पत्ते, काली मिर्ची ले ली 8 से 10 अदद, 2 स्टिक दालचीनी की ली हैं,
और दो बड़ी इलायची ली हैं, वो यहाँ मैंने डाल दी ऑयल में। इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे साबुत मसालों को। अभी दो बड़े साइज़ के मैंने यहाँ पे प्याज लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया था, वो ऐड कर दिए हैं। इनको देखिए लाइट ब्राउन किया है, इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का यहाँ पेस्ट ऐड कर दिया है, उसको भी हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाएगा तो यहाँ मैंने चार अदर टमाटर ले लिए थे वो ऐड कर दिए हैं, उनको भी अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। ग्रीन चिलीज ली थी मैंने 3 अदरक, वो भी मैंने कट कर दी है, यहाँ ऐड कर दिए हैं। हाफ टेबल स्पून यहाँ मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट। अच्छे से हम मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे जो हमारे चिकन स्टॉक था वो मैं ऐड कर रही हूँ, चिकन स्टॉक मैंने ऐड कर दिया है इधर। अब इसको हम कवर करेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। इसमें एक अच्छा सा बॉयल आ गया है, देखें 1 kg के करीब मैंने लिए थे चावल, उनको मैंने धो के अच्छे से भिगोया हुआ था तो वो मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी और टेस्टी सा ये पुलाव रेडी हुआ था, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई भी करना है और मुझे कमेंट करके फीडबैक भी ज़रूर देना है। यहाँ देखें राइस हमारे बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं, बस अब हमने इस पे यहाँ पे लगाना है दम। तो यहाँ पे मैंने जो है अब जो चिकन हमने रेडी किया हुआ था उसको हम इसके ऊपर रखेंगे पहले। तमाम चिकन हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके बाद मैंने टमाटर लिए थे उनको स्लाइस किया हुआ था वो यहाँ रख दिए हैं। इसके बाद ग्रीन हरा धनिया है वो ऐड कर दिया है, हरी मिर्चें हैं 3 से 4 अदद वो ऐड कर दी हैं, और इनको सबको ऐड करना है। पुदीने के पत्ते लिए थे वो भी हमने इसके ऊपर थोड़े से ऐड कर दिए हैं, और 10 मिनट के लिए हमने इसको रख देना है दम पे, ताकि बहुत अच्छे से हमारे इसमें जो है तमाम जो स्पाइस हैं वो इसमें जो है मिक्स हो जाए। यहाँ पे ये देखें जी, बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सा हमारा चिकन पुलाव रेडी हो गया है। ये देखें जी, ज़बरदस्त सा लुक इसका आप लोग देखें, बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार रेडी हुआ था। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी सी यूनिक सी रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।